रीवा में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर पुलिस ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। रीवा एसपी ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी कोई नशा का कारोबार करते हुए दिखे तो इसकी सूचना पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर दें, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। नशा कारोबारियों के खिलाफ रीवा एसपी राकेश सिंह ने नई पहल करते हुए एक व्हाट्सएप नंबर 7049122425 जारी किया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति नशा तस्करों के खिलाफ जानकारी दे सकता है, जिस पर तुरंत कार्रवाई होगी और नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। एसपी राकेश सिंह ने एडवाइजरी जारी करते हुए आम नागरिकों से इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने में सहयोग मांगा है। एसपी ने लोगों से निडर होकर आगे आने का अनुरोध करते हुए कहा कि पुलिस ने नशे की तस्करी को जड़ से मिटाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। गौरतलब है कि जिले में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई आईपीएस अधिकारी ने खुद जनता से सूचनाएं लेने के लिए अपना नंबर सार्वजनिक किया है। इसके अलावा एसपी ने हर थाने में जाकर एक एक थाने की समीक्षा खुद शुरू कर दी है। हमारी योजना ये है कि लोग अपनी सूचना निर्बाध तरीके से इस नंबर पे दें, ताकि उन नंबरों के जरिए नशे के जो भी अवैध कारोबारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और कोरेक्स हो गया, चाहे नशे के इंजेक्शन हो गए, चाहे टेबलेट्स हो गई, चाहे वो गांजा हो गया या स्मैक हो गया या शराब हुई, इनकी जानकारी मिले जो इलीगल तरीके से हो रहा है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।